हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल सॉल्यूशंस। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सिंपल सॉल्यूशंस पे। जैसा कि आप जानते हैं, सिंपल सॉल्यूशंस चैनल आपके लिए चला रहा है एक एमएस एक्सेल का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो बेसिक से एडवांस की तरफ धीरे धीरे आपको लेकर जा रहा है। दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नया और बहुत ही रोचक। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है VLOOKUP TRIM। हम VLOOKUP के बारे में थोड़ा सा और गहराई से समझेंगे कि कहाँ पे हमसे गलतियाँ हो जाती हैं या हमें क्या करना है कि हमारा VLOOKUP सही से लग सके और हम उसका प्रॉपर रिजल्ट्स निकाल सकें। यहाँ पर दोस्तों हमने दो सिनेरियोज लिए हुए हैं। यहाँ पर एक टेबल है और इस जगह हमने इस टेबल के अंदर से आर्टिकल डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम से इतनी सारी चीज़ें ली हैं और इसका हम निकालना चाहते हैं यहाँ पर आइटम नंबर हम इसमें निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक VLOOKUP लगाएंगे, आपको दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे VLOOKUP लगाया। VLOOKUP लगाने के लिए इज इक्वल टू VLOOKUP लिखा, फिर हमने ये वैल्यू डाली जो हमें यहाँ ढूंढनी थी, कॉमा किया और हमने अपना टेबल अरे दिया, कौन सी टेबल के अंदर से हमें लेना है वो टेबल हमने सेलेक्ट करी, फिर हमने कॉमा करके थ्री लिखा क्योंकि आइटम नंबर तीसरे कॉलम में है, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन के बाद तीसरे पे है, और उसके बाद कॉमा करके हमने उसको जीरो किया, बंद किया और हमने उसको एंटर किया। और आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हमने VLOOKUP बिल्कुल ठीक लगाया था लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आया, हमारे रिजल्ट में उसने एन ए दे दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, हमने टेबल अरे को अपने फ्रीज नहीं किया था, हालांकि उससे इस रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमें टेबल अरे हमेशा फ्रीज कर लेनी चाहिए। जब भी हम एक टेबल पर काम कर रहे हैं, हमें फंक्शन F4 दबाएंगे तो वो टेबल अरे फ्रीज हो जाएगी। फंक्शन F4 दबाया, टेबल अरे फ्रीज हो गई, वैल्यू हमारी नहीं आई दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, कई दफ़े हम इस तरीके का डेटा हमको मिलता है, कंपनी में डेटा आता है और हम उस तरीके से लगाते हैं। इसमें देखिए फ़र्क कहाँ पर है, हमने जो फ़र्क क्रिएट किया है कि इस जगह जब ये 150 ml फेस वॉश प्यूरीफाइंग नीम पे आप डाल रहे हैं तो इसके बाद कहीं पे कोई गैप नहीं है, लेकिन जहाँ पर हमें जब हमने ये डेटा फेच करने गए दोस्तों, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसके आगे देखिए एक छोटा सा गैप है। अब इस तरीके की सिचुएशन में आप बिल्कुल देख के नहीं समझ पाते हैं कि यार दोनों जगह बिल्कुल सेम चीज़ है, इसके बावजूद मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो इन केसेस में हमें क्या करना है, हमें जो डेटा हम फिच कर रहे हैं उसके आगे अगर हम एक ट्रिम का फंक्शन लगा दें, ट्रिम हम पहले आपको बता चुके हैं, ट्रिम अननेसेसरी स्पेसेस को हटा देता है। हमने ट्रिम का फंक्शन यहाँ पर लगा दिया और हमने एंटर किया तो देखेंगे आपका कि आपका डेटा करेक्ट आ गया है, यहाँ पे 2115587 सीरियल नंबर निकल के आ गया। और एक बार आपने लगा लिया, फिर आप उस ट्रिम फंक्शन के साथ उसको पुल कर दें तो इसने यहाँ पर जितने भी डेटा थे इसके अंदर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्पेसेस थी, उस स्पेसेस को उसने ट्रिम करके डेटा को प्रॉपर कर लिया, बिना स्पेस का डेटा बनाया और फिर जब उससे मैच किया तो आपका रिजल्ट आ गया। तो इस केस में देखिए दोस्तों हमने कहाँ पे क्या किया चेंज, मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ। इसमें देखिए हमने क्या किया कि जो डेटा हम देख रहे थे उसके आगे हमने एक ट्रिम का फंक्शन लगा दिया, सिंपली ट्रिम का फंक्शन लगा दिया जिस डेटा को हम सर्च कर रहे थे, तो इसने उस डेटा को ट्रिम किया और फिर मैच किया तो आपका रिजल्ट आ गया। दूसरा केस हम ऐसा लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर तो हमारे पास प्रॉपर डेटा है बट जो हमारा बेस डेटा है उसके अंदर ही स्पेसेस है, उसके अंदर स्पेसेस हैं, तो फिर से हम उसी समस्या को फेस करेंगे। मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ। इज इक्वल टू हमने VLOOKUP लिया, ब्रैकेट लिया, हमने इसको सर्च करना था इसको लिया, कॉमा, टेबल अरे हमने अपनी सेलेक्ट करी, टेबल अरे सेलेक्ट करने के बाद हमने कॉमा लगा के पोजीशन 3 दी, कॉमा करके 0 दिया, ब्रैकेट बंद किया और हाँ देखिए फिर से एन ए आया। मैं टेबल अरे को फिर से एक बार फ्रीज कर दूँ, ये मैं हमेशा बोलता हूँ ये आप कर लें ज़रूर। फंक्शन दबा के F4 दबाया, फंक्शन दबा के हमने F4 दबाया और हमारी टेबल अरे फ्रीज हो गई, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आया दोस्तों। रिजल्ट ना आने का कारण वही था क्योंकि हमारे डेटा में स्पेस थी। इस केस में हमने क्या करना है दोस्तों, क्योंकि हमारी बेस टेबल के अंदर हमें लग रहा है कि वहाँ पर स्पेसेस हो सकती हैं, तो वहाँ पर हम एक ट्रिम का फंक्शन ऐड कर देंगे। ट्रिम का फंक्शन ऐड कर करके टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने बोला कि टेबल के अंदर जहाँ पे आप डेटा सर्च करने जा रहे हो वहाँ पे अननेसेसरी स्पेसेस हैं तो उसको प्लीज़ ट्रिम कर देना, और हमने एंटर किया तो यहाँ पर हमें वैल्यू फिर नहीं मिली है। इसका रीज़न दोस्तों ये है कि जब टेबल अरे के अंदर आप ट्रिम फंक्शन लगा रहे हैं तो इस केस में आपको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, सिर्फ एंटर से काम नहीं चलेगा, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करेंगे आप जब ये वैल्यू आपने यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर आपने ये टेबल दे दी, इस टेबल को देने के बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करेंगे और ये देखिए आपका रिजल्ट आ जाता है दोस्तों।
ये आपका कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है, इसको प्लीज आप ध्यान रखें। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, CTRL प्लस शिफ्ट SHIFT एंड प्लस एंटर, ये आपको करना है जब आप एक अरे के अंदर ये फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर का इस्तेमाल करना है, तब आएगा। इसमें भी एक चीज आप देखेंगे कि डेटा आपका लेफ्ट हैंड साइड में आया है और यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में है, मतलब ये इसको टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। अब आपको अगर नंबर डेटा है और आपको नंबर की तरह रिजल्ट चाहिए, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों, प्लस करके जीरो कर देना है। प्लस करके जीरो किया, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया आपने, और आपका डेटा फिर राइट हैंड साइड की तरफ प्रॉपर नंबर लग के आ जाएगा। ये करेक्शंस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वी लुकअप लगाते वक्त अगर आपको स्पेसेस हटानी पड़ती है, कई बार आपका डेटा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो आप प्लीज उसको ट्रिम लगा के और उसको ट्रिम कर लें। ट्रिम फंक्शन के साथ आप जब यूज करेंगे तो वो आपको ये प्रॉपर रिजल्ट आपको दे देगा और आपका व्यू लुकअप का रिजल्ट बराबर आ जाएगा। इसमें फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए व्यू लुकअप हमने लगाते वक्त ट्रिम फंक्शन वहां लगाया जहां पे हम डेटा, जिस डेटा को ढूंढ रहे थे उसमें हमें स्पेसेस लग रही थी, यहाँ पर हमने पूरे टेबल पे टेबल अरे के ऊपर हमने ट्रिम फंक्शन लगाया। लेकिन इस केस में हमें जो चीज ध्यान देनी है कि हमें कंट्रोल शिफ्ट और एंटर के साथ फॉर्मूला डालने के बाद आप सिर्फ एंटर करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, फॉर्मूला डालने के बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है और उसके बाद भी रिजल्ट आपका टेक्स्ट के रूप में आएगा। उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने लास्ट में प्लस जीरो ऐड कर दिया और एंटर किया, तो ये आपका रिजल्ट इसमें आ गया है। तो दोस्तों ये था हमारा एक और एरर को अवॉइड करने का ट्रिक था इसके अंदर। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड टाइम, थैंक यू सो मच।